अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट समरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं बताऊंगा विद सरदार अमीन जतोई। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो मेजर इन्वायरमेंटल इशू है स्मॉग। जी सर, बताइएगा ज़रा कि फैसलाबाद में स्मॉग की बढ़ने की वजहात क्या है? मैडम, इस वक्त पूरे ऑलमोस्ट पंजाब जो है इस वक्त स्मॉग से अफेक्टेड है। और ये देखें कि अब तो बाकायदा तौर पर ये भी कहना शुरू कर दिया गया कि आप बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। अच्छा, सबसे बड़ी वजह कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि ये कुदरती कमर है। अब हमारी आबो हवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ, हालांकि रूट काज की तरफ कोई नहीं जा रहा, रूट काज ये है कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितना भी ट्रैफिक में पोल्यूशन है, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो किसान हैं वो जब वो अपनी जो बाकियात है फसलों की उसको आग लगाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी जो, हालांकि अभी कुछ ही दिन कबल प्रेम नवाज ने इस हवाले से बाकायदा एक अथॉरिटी बनाई है, लेकिन वो भी अभी तक ना होने के बराबर है। और आप ये देखें कि इस वक्त हमारा जो फैसलाबाद है, मैं कहा जा रहा है ना कि लाहौर आलूदा तरीन शहर है, मैं कह रहा हूँ कि फैसलाबाद सबसे ज़्यादा आलूदा शहर बन चुका है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर जो एनवायरमेंट का महकमा है, यहाँ पर जो वासा है, उनकी नाअहली है, नहीं नहीं काम कर ही नहीं रहे, मुकम्मल नहीं काम कर ही नहीं रहे वो। ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे फैसलाबाद के लिए। फैसलाबाद के संतीगत सरगर्मियों में स्मॉग की तश्कील में क्या किरदार है? देखें जी, ये एक सारा मैं कहता हूँ कि इस वक्त जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें से आप देखें, मैंने जितनी भी यहाँ पर आप इनकी डाइंग इंडस्ट्रीज देख लें, आप दूसरी इंडस्ट्री देख लें, हर जगह से धुएं निकल रहे हैं, हर जगह से जो है वो पोल्यूशन जो है वो हो रही है, और फिर ये सब कुछ हो इसका ये स्मोक का बायस बन रहा है, और फिर पूरे शहर में इसके हवाले से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, और लोग जो है वो सांस की बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। और इस मौसम में खास तौर पर आप देखें कि जिसको भी एस्थमेटिक कोई इस तरह का इशू है, कोई सांस का प्रॉब्लम है, वो बेचारा बाहर नहीं निकल सकता। अभी आपने कहा ना कि फसलों की बाकी आग जलाने की वजह से ये इशू होता है, तो आवाम को कैसे आगाह करें कि ये ना जलाएं? देखिए, ये किसानों के ऊपर, आप देखें, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि जब आप ना 2, 4, 10 ऐसे पक्के किस्म के काम करेंगे ना, जुर्माने करेंगे, सजाएं देंगे, आप यकीन माने कि उस पूरे एरिया में दोबारा कोई फसल को आग नहीं लगाएगा। लेकिन अब होता क्या है, जैसे ही फसल काटी जाती है उसके बाद उसको आग लगा दी जाती है, और गाँव के गाँव, हर तकरीबन गांव में ये हो रहा है, और वहां पर रोकने, अब देखें अथॉरिटी बैठी है शहर में, तनहाएं ले रहे हैं शहर में, अब वहां पे इतनी दूर दराज एरिया में कौन जाए, कौन देखे? तो यही वजह है कि हमारे आवाम को भी इस हवाले से सोचने समझने की जरूरत है कि भाई, एक पहले ही स्मोक इतनी ज्यादा है, जब आप इसमें आग लगाओगे तो फिर धुआं उसका वो फिर फजा में ही जाएगा। जी ठीक है सर, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के क्या इकदाम है? हुकूमत जो है ना जी, बस वो एक मैं वही बता रहा हूँ कि अब देखें कि हमारे शहरों में तो अथॉरिटी बन चुकी है, दफातर कायम हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है ये पैराफ्रीज में नहीं जा रही, ये काम नहीं कर रहे। आप ये देखें कि हमारा फैसलाबाद का महकमा माहौलियात है, वो मैं कहता हूँ कि पैसे ले लेकर जो जहां पर भी आप उसको शिकायत करेंगे तो होगा क्या, शिकायत लेने वाला, करने वाला, देने वाला, तीनों ही वो पैसे खा रहे होंगे, और फिर उस जगह पे ऊपर धड़ल्ले से जो है वो धुआं भी निकल रहा होगा, उसकी बाकियां जो इस किस्म, आप समझ लें कि हमारा मेन जो एक, हालांकि कहा जाता था कि भट्टे बंद कर दिए जाएंगे और भट्टों को जो है वो बड़ी नई जदीद टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है, सब का सब उसी तरह हो रहा है। और ख़ास तौर में फैसलाबाद में मैं बता रहा हूँ कि ये जो दो महकमे हैं ना, ये सबसे बड़ी वजह है पूरे के पूरे फैसलाबाद आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए। मरियम नवाज शरीफ का भी बयान सामने आया, उस पर आप क्या कहेंगे? मरियम साहिबा देखें काम कर रही है, देखें वो सीएम पंजाब है, वो अब ये नहीं कर सकती कि मिसाल के तौर पर कि जी वो अब मोहल्लों में, गलियों में, फसलों में तो नहीं जाए। अब देखिए, उन्होंने अथॉरिटी बनाई, अथॉरिटी को काम भी करना चाहिए। हमारे बदकिस्मती ये है कि अथॉरिटी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रोड मैप देना है, रोड मैप के ऊपर अमल दरामद किसने करना है? इंतजामिया ने। हमारी इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है, तो फिर काम कौन करेगा? मरियम साहिबा देखें, उन्होंने इंडियन चीफ मिनिस्टर से भी राब्ता किया और इस हवाले से मुसलसल वो काम कर रही है, लेकिन क्या है, नीचे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पूरे के पूरे महकमे खराब हैं। अब ये जो स्मोक अथॉरिटी बनाई है, अभी तक ये काबिले, ये काम ही नहीं कर पा रही, तो बहरहाल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। ये दो मैंने फैसलाबाद की जो बात है ना, मैं इसके ऊपर बिल्कुल फोकस हूँ कि माहौलियात और वासा, ये दो महकमे, इनमें करप्शन बेइंतहा है और काम बिल्कुल जीरो है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।